यहां प्रत्येक समाज, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, प्रत्येक संप्रदाय का व्यक्ति और प्रत्येक समाज का व्यक्ति सेवा कैसे करता है, लोगों को आदर कैसे देता है, सम्मान कैसे करता है, ये मालेगांव की धारा पर आकर मालूम पड़ता है कि यहां का भाव है। यहां ऐसा कोई धर्म नहीं था, यहां ऐसी कोई समाज नहीं थी जिसने शिव महापुराण में सेवा नहीं करी हो। हर व्यक्ति ने, हर समाज ने, हर एक बच्चे बच्चे ने यहां पर सेवा करी, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, प्रत्येक समाज का व्यक्ति। कोई रहा नहीं। शिव कथा कहती है, भक्ति में जो एक बार सन गया, भक्ति में जो एक बार उतर गया, भक्ति जिसके भीतर समाहित हो गई, फिर वो भटकता नहीं। अभी आभार में आदरणीय दादा भाई भूसे जी कह रहे थे कि यहां के लोगों का व्यापार कम हुआ, और वो किस किस चीज का कम हुआ, एक दारू का, मदिरा का, दूसरा मांस का व्यापार कम हुआ। क्योंकि कुछ समय के लिए वो लोग भी 7 दिन अपनी अपनी दुकानों को बंद कर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, वो भी सेवा में लगे हुए थे। सदन कसाई सालिग्राम भगवान की शिला को रखकर मांस तोलता था, उसको जब तक नहीं मालूम था कि ये सालिग्राम जी हैं, तब तक वो पत्थर समझकर, बाट समझकर मांस तोल कर देता था। पर जब उसको समझ में आ गया सदन कसाई जी को कि ये भगवान है, तब फिर उसने उस सालिग्राम जी से मांस को नहीं तोला। हम भी भटकते रहते हैं, हम भी यहां वहां सब दूर भटकते रहते हैं, जब तक हमें परमात्मा के चरण नहीं मिलते, तब जब तक हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये हमारा है और हम इसके हैं और ये हमको तार देगा, तब समझ में आता है कि यह परमात्मा। अभी तक जितनी कथाएं करते करते आए हैं, उसमें सबसे भारी और सबसे अधिक श्रोताओं के बीच में ये कथा हुई है, बाबा की कृपा से सबसे अधिक श्रोता, सबसे भारी, ना जाने कहां कहां से आप लोग आए और बड़ी भारी संख्या में यहां पहुंचे हो। महाराज, प्रशासन ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था संभाल के रखी है, हर तरह से प्रशासन मुस्तैद और व्यवस्थाएं संभाल। अभी तक कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं 7 लाख तक पब्लिक भक्त लोग कथा में रहे, पर आज की स्थिति में 11 लाख से ऊपर लोग इस मालेगांव में हैं। मालेगांव की एक एक दुकान, एक एक गुमठी, एक एक व्यापार का स्थान, कल कथा में हमको, जब हम कक्ष में पहुंचे आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी अग्रवाल जी के घर पर जहां हम रुके हैं, वहां जब हम पहुंचे तो हमने वासु जी से कहा कि बड़ा विचित्र लीला है ये, कि टेंट जब पूरा खत्म हो गया और टेंट नहीं लग पा रहा था, तो कपड़े के व्यापारियों ने अपनी दुकान की बेडशीट निकाल कर दे दी थी कि पकड़ पकड़ कर बैठ कर कथा श्रवण करें। बेडशीट, कल के फोटो में आप लोगों ने देखा होगा कि बेडशीट पकड़ पकड़ के लोग, कितने धन्य हैं ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपनी दुकान की बेडशीटें निकाल कर दे दी कि इसको पकड़ लो और बैठ कर कथा सुनो। ये सुख कहां मिलेगा, ऐसा आनंद जिंदगी में नहीं मिल सकता। कोई कह रहा था इतनी तो बारात की भी व्यवस्था नहीं होती है, और उनको भी, बारातियों को भी कोई ना कोई चीज की कमी रह जाती है, पर यहां तो भक्तों के लिए कोई कमी किसी ने भी रखी है। अभी इससे बड़ा सुख क्या होगा। मैं आदरणीय दादा बाबू भूसे जी को कहूंगा कि वास्तवता है मालेगांव मालेगांव है और माल का गांव है, साधारण नहीं। इसका आनंद ही दूसरा, इसका सुख ही दूसरा। राष्ट्रीय स्वयं संघ के, आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदुत्व के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता, मारवाड़ी समाज के, अग्रवाल समाज के, महेश्वरी समाज के, जैन समाज के, धोबी समाज के, नाई समाज के, पाटिल समाज के, जितने जितने हैं, जितने जितनी समाज जुड़ी हुई है, हम तो नाम लेते रहेंगे तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। इतनी इतनी सेवा भाव, इतना प्रेम से करा है, इतना प्रेम से करा है जिसका वर्णन, प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता, और उन्होंने जो व्यवस्थाओं को साथ दिया है, हर पंडाल में व्यवस्थाओं को जो दिया, बहुत बहुत सकता। कोई
कोई सहजता नहीं, एक आनंद का विषय रहा, एक आनंद का सुख। भक्ति जब भीतर से जाग जाती है तब परमात्मा को पाने का तरीका अपने आप मिल जाता है। एक बच्चा रो रहा था, घर में माँ हलवा सेक रही थी, सीरा बना रही थी, आटा डाला, घी डाला, कढ़ाई को रख और सेकना चालू करा। बच्चे ने कहा, माँ मुझे सीरा चाहिए, हलवा चाहिए। अभी सीरा था, माँ सेक रही है और माँ करी तो टाइम लगेगा, कच्चा है। नहीं, मुझको तो अभी की अभी सीरा खाना है, मुझे अभी की अभी हलवा खाना है, माँ ये सीरा ये हलवा मुझे दे। माँ ने कहा, इस अभी कच्चा है। इतने में बच्चा माना ही नहीं, तो माँ ने उसको सेक के प्लेट में दिया, उसने जो खाया वो थूक दिया, क्योंकि वो हलवा वो सीरा पका नहीं था, कच्चा था, इसलिए उसमें स्वाद नहीं आया। जब माँ ने उसको अच्छे से सेक लिया, तपा लिया, घी डालकर, पानी डालकर, शक्कर डालकर, इलायची डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर, जब वो हलवा तैयार हुआ, सीरा तैयार हुआ, तब बेटे को दिया, तो बेटा प्लेट भरकर उसको खा गया। अब बच्चे को रुचि आ रही है उस सीरे में, उस हलवे में। माँ से कहा, माँ मुझे और दे दे। माँ ने प्लेट में और सीरा दिया, और हलवा दिया, उसने और खाया। माँ मुझे और दे दे। माँ ने और सीरा दिया, और हलवा दिया, क्योंकि अब उसकी रुचि उस सीरे में, उस हलवे में इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो सीरा वो हलवा पक चुका था। जब तक कच्चे रहोगे तब तक शिव महापुराण में मन नहीं लग पाएगा। जिस दिन तुम शिव पुराण में पक गए तब तुम्हें वो शिवपुराण का आनंद आना प्रारंभ हो जाए, फिर तुम्हें वो सीरा अच्छा लगने लगेगा, फिर तुम्हें वो हलवा अच्छा लगने लगेगा। इतनी लाखों की संख्या में 10-10, 11-11 लाख। कल एक पत्र आया था, उसमें लिखा था, हमारे महाराष्ट्र, हम केवल मालेगांव का नहीं कर रहे, पूरे महाराष्ट्र शासन का पहला कार्यक्रम है जिसमें इतनी भीड़, इतना भक्त पहुंचा, इतना भक्त पहुंचा। रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में भरे हुए हैं, डबल पथवे पर पूरे जनता ही जनता, पूरे भक्त ही भक्त। ना हम उनको देख पा रहे हैं, ना वो हमको देख पा रहे हैं। केवल ये माइक की जो व्यवस्था लगा के रखी है इन्होंने, रामसाम वाले ने जो माइक का चुंगा वहां फिट कर दिया है, बस उसका जो भोकू का जो आवाज है, वो आवाज और उनकी दिल और दिमाग में जो टीवी पर कथा सुनी और मोबाइल पर सुनी कि महाराज इस तरह से कह रहा है और शंकर इस तरह से मिल रहा है, बस वो मिलन की आस से कथा चल रही ना। वो एक गाना याद आता है ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। ना उन्होंने हमको देखा ना हमने उनको देखा, पर विश्वास उनका ये है कि परमात्मा भले नहीं दिख रहा, परमात्मा भले नजर नहीं आ रहा, पर यह निश्चित है कि वो परमात्मा, वो कल कथा में कहा था ना कि बच्चे से कहा बाबा जम के बोलो आएगा, उसी तरह तुम भी कहते रहना मेरा भोला आएगा। बस वो मिलन की आस बरकरार रखिए। एक पक्षी के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, सही है, केवल एक स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, इसके सिवा वो स्वाति नक्षत्र के सिवा पानी नहीं पीता। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद एक पक्षी के लिए परमात्मा को स्वाति नक्षत्र में गिराना पड़ती है और वो बूंद वो पक्षी पीता है तो उसका पेट भर लेता है, फिर अगले स्वाति नक्षत्र का इंतजार करता है। उसी तरह परमात्मा ने पक्षी बनाया तो उसकी प्यास मिटाने के लिए स्वाति नक्षत्र का पानी भी दिया है। और आपके भीतर अगर शिव महापुराण की कथा सुनने का भाव जागृत हुआ है, शंकर को पाने की इच्छा जागृत हुई है, शिव तत्व को जानने की इच्छा प्राप्त हुई है, तो वो शंकर एक ना एक दिन आकर तुम्हारे दुख की घड़ी में जरूर खड़ा होगा, ये निश्चित। आप उसको पुकारो, आप उसको हृदय से, बस केवल दिल से उसको पुकारने का प्रयास करना। थोड़ा सा हलवे को सीरे को पकाना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, और जब दुख कष्ट तकलीफ आती जाती है तब भजन का बल बढ़ता चले जाता है। एक बात याद रखना, दुख तकलीफ कष्ट आता है, क्यों आता है, हमारे पिछले जन्म के पाप को काटने के लिए। दुख आया पूर्व जन्म के पाप को काटने के लिए। पर आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि दुख आ गया है तो इसको जल्दी से मिटा दूं, ऐसा नहीं होता। एक हाथ कट गया, फोड़ा हो गया, छाला हो गया, शरीर में रोग हो गया, तुम कितनी भी दवाई खा लो, कितनी भी तुम पट्टी करवा लो, कितनी भी क्रीम लगा लो, उस घाव को भरने में थोड़ा 2-4 दिन तो लगता ही है। एक फुंसी हो गई, एक कहीं यहां फुंसी हो गई, कहीं यहां हो गई, कहीं यहां हो गई, कहीं यहां हो गई, एक फुंसी हो गई, उस पर कितना भी तुम बाम लगा लो, कितनी भी दवाई लगा लो, वो फुंसी धीरे 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 2-4 दिन में ही बैठेगी। एकदम दवाई खाने से या एकदम इंजेक्शन लगवाने से या एकदम औषधि खाने से वो नहीं बैठने वाली, उसका इलाज नहीं होने वाला। थोड़ा समय दवाई को भी लगता है शरीर को एडजस्ट करने में, थोड़ा समय क्रीम को भी लगता है शरीर को एडजस्ट करने में, उसी तरह तुम्हारे दुख को काटने में भी परमात्मा को थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है।
रोज रोज थोड़ा थोड़ा अगर क्रीम लगाया है, थोड़ा थोड़ा दवा लगाई है, थोड़ा थोड़ा तत्व लगाया है, तो वो उसका फल धीरे 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 आराम तो मिलेगा। थोड़ा थोड़ा भगवत नाम करा है, थोड़ा थोड़ा कीर्तन करा है, शिव नाम को जपा है, तो उसका फल मिलेगा जरूर, थोड़ा रुक के धीरे धीरे। एक तुम्हारे यहाँ पर जब महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं ना, तो रोड के किनारे लिखा रहता है अति घाई अति घाई दुखदाई। रोड के किनारे पर लिखा रहता है अति घाई दुखदाई। अगर ज्यादा जल्दी करोगे तो दुख मिल सकता है, पर आज के जमाने में जैसे ही दुख आता है, जैसे ही तकलीफ आती है, जैसे ही कष्ट आता है, लोग उस दुख को तुरंत मिटाने में लग जाते हैं। कहीं बाबा के यहाँ चले गए, कहीं किसी के यहाँ चले गए, कहीं किसी के यहाँ चले गए, हमें बहुत ज्यादा दुख है, उन्होंने मालूम पड़ा भभूति दे दी, बेल दे दी, कह दिया ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। नहीं 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 नहीं, दुख आया है तो इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा। अति घाई मत करना, किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। अगर किसी के चक्कर में पड़ गए तो जल्दी के चक्कर में, जब ज्यादा जल्दी होती है तो एक्सीडेंट हो जाता है, जब ज्यादा दुख को जल्दी मिटाने की सोचते हो तो और दुख बढ़ जाता है। इसलिए अति घाई दुखदाई, थोड़ा समझना, थोड़ा संभलना। दुख आया है, धीरे धीरे कटेगा। दुख को, तुम्हारे दुख को ना तो सियोर वाला महाराज काट सकता है, ना संसार का कोई महाराज काट सकता है। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा। और कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तुम्हारे दुख को भगवान के भजन से, तुम्हारे दुख को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से, तुम्हारे दुख को एक लोटा जल से, तुम्हारे दुख को एक बेलपत्री से, तुम्हारे दुख को एक चावल के दाने से, तुम्हारे दुख को एक पुष्प की पंखड़ी से, तुम्हारे दुख को तुम भगवान के मंदिर में सफाई करने से, तुम्हारे दुख को तुम किसी परमार्थ का काम करने से अपने दुख को काट सकते हो। भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, भगवत नाम लेने से कटेगा। कोई महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को काट दे, क्योंकि महाराज खुद का दुख काट ले वही बहुत बड़ी बात है। महाराज खुद का दुख काट ले, ऐसा कोई महाराज बता दो जिसका पांव नहीं दुखता, जिसकी कमर नहीं दुखती, जिसका हाथ नहीं दुखता, जिसका सिर नहीं दुखता, जिसका शरीर नहीं दुखता। शरीर में कष्ट होगा, वो कितना भी विद्वान से विद्वान है तो भी उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर डॉक्टर से जब वो औषधि लेगा और शंकर जी को दिखा कर कहेगा इसको अमृत कर दीजिए, तब विश्वास को रखकर खाएगा, तब जाकर उसका भी कार्य सफल हो जाएगा। दुख तुम्हें अपने आप में काटना है, कोई दुख काटने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। किसी भ्रम में मत पड़ जाना, अंधविश्वास में मत पड़ जाना, और ढोंग प्रपंच में मत पड़ जाना। पड़ना तो मेरे शंकर भगवान के चरणों में जाकर पड़ जाना, वो काट। कई लोग कहते हैं गुरु जी इतने सारे महाराज आते हैं, संत आते हैं, कथाकार आते हैं, वो सबसे मिलते हैं, आप क्यों नहीं मिलते हो किसी से? हमसे मिलकर करोगे क्या? हम ना तो कुछ बताते हैं और ना हम कुछ जानते हैं, हमको कुछ आता भी नहीं। केवल ये व्यासपीठ है, ये कुबेरेश्वर बाबा की शिव महापुराण की पोथी है, और बाबा का भजन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है, और एक लोटा जल है। बस इतना जानते हैं कि एक लोटे जल को चढ़ाते चढ़ाते जब सियोर वाला महाराज भी यहाँ तक पहुँच सकता है, तो आप भी उस जल के सहारे वहाँ तक पहुँच सकते हो। किसी का भाग्य लिखना या किसी का भाग्य बताना या आपके जीवन में क्या हो रहा है यह बताना हमारे बस की बात नहीं है। हमें कोई विद्या या कोई सिद्धि हमारे पास में नहीं है, हम तो केवल भगवान का भजन करते हैं और आपसे भी करवाते हैं, क्योंकि दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता, दुख आपको स्वयं काटना है। पत्नी का सिर दुखेगा, पति बाम लगा सकता है, पति दवाई लाकर दे सकता है, पर पत्नी के सिर दर्द को पति ले सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो, नहीं ले सकता। दर्द उसको ही सहन करना पड़ेगा, दर्द उसको सहना पड़ेगा। जब एक पति पत्नी के सिर दर्द को नहीं ले रहा है, दवाई दे देगा, औषधि दे देगा, बांग लगा देगा, पानी ला देगा, चाय बना के पिला देगा, सब कुछ कर देगा, और उसके दर्द को पति नहीं ले सकता, पति के दर्द को पत्नी नहीं ले सकती, भाई के दर्द को भाई नहीं ले सकता, पर इतना जरूर हो सकता है कि जैसे पत्नी दवाई खाएगी तो पत्नी का सिर दर्द बंद होगा, अगर आप शंकर के मंदिर जाओगे तो आपका दुख कट जाएगा, ये निश्चित। आप उसकी चौखट पर जाइए, आप उसके दरवाजे पर जाइए, आप उसकी शरणागति पर जाइए, और जब आप शरणागति में पहुंचोगे, उसके भजन में पहुंचोगे, उसके कीर्तन में पहुंचोगे, उसके मंत्र जाप में पहुंचोगे। यहां 7 दिन आप लोग आए हो, 7 दिन यहां पर लोग आए हुए हैं, जो लोग 7 दिन से यहां पर रुके हुए हैं उनसे पूछना, वो अपना घर परिवार बेटा बेटी नाते रिश्ते सब भूल कर 7 दिन तक भजन कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। यहां से जाएंगे तब उनको परिवार में फिर पहुंचेंगे तो फिर परिवार की याद आएगी, फिर लगेगा कि हम परिवार में फिर आ गए। पर 2-4 दिन तो तुमको नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुम मालेगांव की कथा सुनकर जा रहे हो, तुम्हारी आदत बदल गई है भजन की, 2-4-8 दिन तुमको नींद नहीं आने, तुम करवट बदलते रहोगे, पास में सोने वाला व्यक्ति पूछ लेगा तुझे नींद नहीं आ रही? नहीं, क्यों? सपने में मेरे को वो महाराज दिख रहा है, सपने में मुझे मेरा भोले नाथ दिख रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे स्वप्न दिख रहा है। खानो नहीं भावे मुझे, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे, जब मुझे बस केवल भगवान की भक्ति नजर आ रही है,
केवल भक्ति और कुछ नहीं। भजन का जब बल बढ़ जाता है तब कुछ भी दिखता नहीं। गुरुजी ने पूछा था कौरवों से भी और पांडवों से भी, इस पेड़ पर क्या दिख रहा है? तो कोई के पेड़ दिख रहा है, कोई के पक्षी दिख रहा है, कोई के उसके पंख दिख रहे हैं, कोई के उसके पास फल दिख रहा है। केवल एक था जिसने कहा पक्षी का केवल नेत्र नजर आ रहा है, जिसने एक निशाना बना लिया है कि मुझे अगर दुख आएगा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। जिसने एक निशाना बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे दुख आएगा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी और फिर महादेव के पास जाकर कह दूंगी कि तेरे भरोसे पर दिखा के आई। दुख आएगा उसको निपटने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ये पत्र, इन पत्रों में आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा समाया है। सब कुछ टूट जाए, घर भी टूट रहा हो, रिश्ते नाते भी टूट रहे हो, परिवार भी टूट रहा हो, दुख पीछा पकड़ कर खड़ा हो, फिर भी तुम्हारा विश्वास मत तोड़ना, मंदिर जाना मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? मायके वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, ससुराल वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, पर जिसके दरवाजे पर तुम रोज जा रही हो, एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान का गुणगान गा रही हो, वो दुख की घड़ी में रोज आकर खड़ा हो सकता है, वो फिर ही होकर। भक्ति पक्की करो, जब भक्ति पक्की हो जाएगी, जब विश्वास पक्का हो जाएगा, फिर आप डोल नहीं सकते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का कल्याण। ये विश्व का कल्याण तब होगा जब हम किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी रूप में सत्कर्म में लगे हुए। किसी ना किसी रूप में सत्कर्म में लगे। नासिक में कुंभ का मेला भराया, कई बार भराया, आ जाता है 12 वर्ष में कुंभ का मेला। प्रशासन को कितनी व्यवस्था करना पड़ती है उस मेले के लिए, एक साल पहले मेले की तैयारी चालू हो जाती है। बोलो सही है? चारों तरफ प्रशासन को व्यवस्थाएं करना पड़ती है। उस मेले में भी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जितनी पब्लिक जाती है जाती है, पर उससे आधा मेला होता है ये शिव महापुराण की कथा का मेला, आधा मेला। यहां छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा करोड़पति भी इस मेले का सुख भोगता है। कुंभ के मेले में कभी पत्नी खो जाती है, कभी पति खो जाता है, कभी बच्चे खो जाते हैं, कभी पड़ोसी खो जाता है, कभी माता खो जाती है, कभी पिता खो जाता है, कभी बहन खो जाती है, कभी भाई खो जाता है, पर शिव महापुराण के मेले में लोग भगवान शंकर में खो जाते हैं। यहां शिव में खो रहे हो, यहां कोई किसी को नहीं ढूंढ रहा, यहां कोई किसी को ढूंढने लगा भी नहीं है कि इसको ढूंढा जाए या उसको ढूंढा जाए। यहां तो केवल अगर ढूंढने में लगे हुए हो तो महादेव को ढूंढने में लगे हुए हो कि मेरा भोला, मेरा शंकर, ये निश्चित है एक दिन मेरे दुख को हरने आएगा। भक्ति, जितनी भक्ति को भर सकते हो, जितने भजन को भर सकते हो उतना भर लो। पाप ज्यादा आ जाए तो उसको ले जाकर खाली कर दो, जैसे कलकत्ता में कहा था सोयाबीन ज्यादा आ जाए, गेहूं ज्यादा आ जाए तो उसको मंडी में खाली कर दिया जाता है, और पाप ज्यादा आ जाए तो मंदिर में खाली कर दिया जाता है। कचरे की गाड़ी में ज्यादा कचरा भरकर रखोगे तो गाड़ी सड़ने लगेगी, सड़ेगी कि नहीं सड़ेगी? तुम्हारे घर की एक लोहे की बाल्टी, लोखंड की बाल्टी, लोखंड का डब्बा, उस लोखंड के डब्बे में बहुत दिन तक कचरा भरकर रखना, खाली मत करना, जंग लगेगी नहीं लगेगी? वो डब्बा खराब होगा कि नहीं होगा, सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? वो डब्बा सड़ने लगता है बहुत दिन तक लोहे की बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में, एल्युमिनियम, स्टील, कोई भी बर्तन में आप रखकर रखिए, पीतल, एल्युमिनियम, जो में रखोगे वो सड़ने लगेगा। बहुत दिन तक कचरा रखोगे तो बर्तन सड़ने लगेगा। इसलिए इस मन रूपी बर्तन में बहुत दिन तक अहंकार को मत रखना, लोभ को मत रखना, दुश्मनी को मत रखना, कपट को मत रखना, बेईमानी को मत रखना, वरना ये बर्तन सड़ने लगेगा, बदबू मारेगा, बर्तन बदबू मारने लगता। ए, 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 कोई कह रहा था गुरुजी, वो
मेरी देवरानी का मन तो बिल्कुल भी कथा में नहीं लगता और मेरा मन कथा में लगता है। मैं टीवी चालू करती हूं और देवरानी कहती है कहां टीवी में लगे हो, कथा में लगे हो, वो टीवी बंद कर देती। एक बात बताओ गुरुजी, घर में दो, एक बहू, एक सास, एक देवरानी, एक जेठानी, इतने लोग रह रहे हैं, उसमें से एक का मन कथा में है या दो का मन कथा में है या दो का मन मंदिर में है या भजन में है और बाकी के लोगों का मन भजन में नहीं है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो जाता है? भगवान को सबको एक जैसा मानना चाहिए ना। जब पति भजन करता है तो पत्नी को भी भजन वाला बनाओ, बहन भजन करती है तो भाई को भी भजन वाला बनाओ, माँ अगर भजन करती है तो बच्चों को भी भजन वाला बनाओ। पर ये क्यों भगवान ऐसा करते हैं कि इनको बिना भजन का बना देते हैं, हमको भजन वाला बना देते हैं? हमने कहा ये आज का नहीं है, ये पुराने जमाने का है। आपने पूर्व में कोई अच्छा काम करा होता है तो इस जन्म में तुम भजन में लगे रहते हो, भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। पूर्व के पुण्य से तुम्हें आज कथा सुनने को मिल रही है, भजन करने को मिल रहा है, सत्संग करने को मिल रहा है। भगवान मौका दे रहा है कि पूर्व में जो तूने पुण्य करा था तो ये मनुष्य का शरीर मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, परिवार अच्छा मिल गया, कुटुंब अच्छा मिल गया, इसको और बढ़ा ले तो तू थोड़ा भजन और कर ले। ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। पूर्व में अच्छे थे तो आज भी तुम अच्छे हो, और पूर्व में गड़बड़ थे तो आज भी तुम गड़बड़ हो। और नहीं मानो तो एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक डब्बी में हींग, क्या हींग जो सब्जी में डालती हो, अचार में डालती हो, एक डब्बी में हींग रख देना। डब्बी में से हींग रखने के बाद में दो चार आठ दिन के बाद वो डब्बी को खाली कर देना, पानी से धो लेना, साबुन से धो लेना, सर्फ से धो लेना, फिर खोलना सुखाने के बाद। हींग की बदबू जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं जाएगी। डब्बी को कितना धोया, साबुन से, सर्फ से, पानी से, गर्म पानी से, पर हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह पूर्व में जो तुम थे वो हींग की डब्बी भले खाली कर दी, पहले अपन ना जाने क्या थे, कोई कुछ था कोई कुछ था, 84 लाख योनियां काटी हैं, ये हींग की डब्बी ना जाने कितनी बार खाली हो गई। अगर भजन में लगे हो तो समझ लेना वो हींग की खुशबू अभी तक नहीं गई है, वो अभी तक डब्बी भले खाली कर दी, डब्बी भले धो दी, डब्बी भले साबुन से सर्फ से सबसे धोई गई, पर वो हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह हमारे 84 लाख जन्म निकल गए, और 84 लाख जन्म निकले, हमने क्या करा था पूर्व में? अगर हमने भजन करा था तो वो भजन की गंध आज तक नहीं गई। अपने आप आपका मन कथा में लग जाता है, और किसी किसी को डांट डांट के बिठाओ, मार मार के बिठाओ, चिल्ला चिल्ला के बिठाओ तो भी मन नहीं लगता। किसी किसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देख लो, इनका खाने में मन लग जाए, सिलाई में, स्वेटर बनाने में मन लग जाए, कपड़ा सिलने में मन लग जाए, बड़ी तोड़ने में मन लग जाए, पापड़ में मन लग जाए, कपड़ा सुधारने में मन लग जाए, मेहंदी लगाने में मन लग जाए, बुराई करने में मन लग जाए, पर इनका मन किसी किसी डोकरी का ऐसा रहे कि उसको कितना भी कह दो कि भगवान के मंदिर चल, वो नहीं जाए। उसको कथा में बिठा दो तो कथा नहीं सुना, टीवी चालू कर दो कथा की तो मन नहीं लगे, वहीं पसरी जाए। वही तुम कितना ही प्रयास कर लेना वो नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हींग की डब्बी नहीं है, वो हींग की डब्बी नहीं है। हींग की होती तो पुराने जमाने का, पूर्व का थोड़ी सी खुशबू उसमें रह जाती, अगर हींग की डब्बी होती तो थोड़ी सी गंध उसमें रह जाती तो वो भजन कर लेती, पर ये हींग की डब्बी नहीं है। ये तो अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, ये हींग की डब्बी नहीं, ये तो केरोसिन का डब्बा है, घासलेट का तेल का डब्बा, घासलेट के तेल का डब्बा देखा तुमने, केरोसिन का डब्बा, उसको भी धो दो, साफ कर दो, परंतु उसमें फिर एक गिलास पानी डाल दो तो उसमें दो चार बूंद ऊपर तैरती हुई अलग से दिखे, ऐसे डोकरी अलग से जा, ये मिले ही नहीं इसमें। तो मेरी मालेगांव की हींग की डब्बियों, ये खुशबू आपकी कितने ही जन्म दे दे मेरा भोलेनाथ, 84 लाख योनियां काट दे, ये डब्बी की गंध जाना नहीं चाहिए, ये हींग की डब्बी की गंध खुशबू जाना नहीं चाहिए। कितनी दे दे वो जन्म, कितने ही सांप बनाए, बिच्छू बनाए, और ऐसा नहीं है सब बने अपन, ऐसा नहीं कि अपन ने कोई जन्म नहीं लिया होगा, आप भी कुछ ना कुछ बने होंगे पूर्व में, हम भी कुछ ना कुछ बने होंगे। 84 लाख योनियां काटते 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 यहां तक पहुंचे हैं, माथे की जू भी बने थे किसी ने निकाल के नाखून पे धर के निपटा दिया। गेहूं सोयाबीन के कीड़े भी बने थे, धूप में पटक के निपटा दिया। ये तो बने शरीर दिया उसने, इस गंध को समाप्त मत होने देना। कोई तुमसे कह दे, होता है कभी कभी जो मकान बनता है, आपके घर में बाथरूम बनी है? बोलो तो बनी है? अगर समझदार मिस्त्री मिल गया, छत बनाने वाला, बाथरूम बनाने वाला, घर बनाने वाला,
समझदार मिस्त्री मिल गया, समझदार मिल गया। तो वो जो बाथरूम बनाता है ना, तो बाथरूम में जब वो टाइल्स लगाता है, पत्थर लगाता है, तो ऐसा थोड़ा सा ढाल करके लगाता है। ढाल कर क्यों? पानी यहां डलेगा और वो वहां पाइप में चला जाएगा, खड्डे में चला जाएगा। जो मिस्त्री समझदार नहीं होता तो वो एकदम चपटा धर दे तो पानी वहीं की वहीं भरा रहे, परंतु वो निकले ही। फिर क्या करना पड़ता है उसको? पानी जब नहीं निकलता तो क्या करते हो? फिर वही बाथरूम में, जैसे हम अग्रवाल जी के ठहरे हैं तो हम जिस कमरे में ठहरे हैं कक्ष में, उनके बाथरूम में प्लास्टिक की झाड़ू रखी। क्या करना पड़ता है? बोलो, जम के बोलो जरा। फिर वो झाड़ू से झाड़ झाड़ के झाड़ झाड़ के उस पानी को उस खड्डे तक लेकर जाना पड़ता है। आपके भी बाथरूम में झाड़ू रखी होगी हो, ऐसी झाड़ने वाली पानी निकालने के लिए, फिर वो खड्डे में ले जाना पड़ता है। जैसे दो तरह की बाथरूम होती है, दो तरह की छत होती है, एक ढाल में होती है पानी यहां डाला सीधे पाइप में, और एक छत एकदम सीधी, बाथरूम का फर्श एकदम सीधा, जाए नहीं तो झाड़ू से झाड़ झाड़ कर निकाला जाता है। उसी तरह दो तरह के लोग होते हैं, एक ढाल में होते हैं जैसी कथा चालू हुई 2 बजे टीवी खोल के बैठ गए या कथा में जाकर बैठ गए, और एक ऐसे होते हैं जिनको झाड़ झाड़ के ले जाना पड़ता है, झाड़ झाड़ झाड़, तब जाकर वो कथा में पहुंच पाते। बोलो ऋषि जी, सही है कि गलत है? तुम जितने बैठे हो ये सब झाड़ू से निकलने वाले नहीं, तुम ढाल में हुए हो। जितने लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस मालेगांव की पावन धरा पर बैठकर लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हो, तुम विश्वास रखना, तुम को जिसने बनाया वो मिस्त्री साधारण नहीं है, तुम्हारे माता पिता साधारण नहीं है, इसलिए उन्हें ढाल में बनाया। तुम्हारे माता पिता का संस्कार तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे माता पिता की सभ्यता संस्कृति उनका संस्कार उनका ज्ञान तुम्हारे साथ में है, इसलिए तुम हमेशा ढाल में रहते हो। तुम्हारा मन कथा में सत्संग में भजन में मंदिर में कीर्तन में लगा रहता है। कहीं कहीं के ऐसे होते हैं जिनका मिस्त्री अच्छा नहीं होता तो वो ढाल में पैदा नहीं होते, फिर उनके मिस्त्री कहते हैं कि जा कथा में चले जा, छोरे से कहते हैं मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाया, बहू से कहते हैं पशुपति व्रत कर ले, नहीं करती, फिर वो झाड़ू से झाड़ झाड़ उसे ले जाना पड़ता है। तो मिस्त्री अच्छा होना चाहिए, और मेरा विश्वास कहता है जिसके माता पिता मिस्त्री के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं तो बच्चे संस्कारित होते हैं, अगर श्रेष्ठ मिस्त्री है तो। आज आपको देखकर 10 लाख से ज्यादा लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं मालेगांव की इस पावन धरा पर, जिस मालेगांव की कैपेसिटी इतनी नहीं है, जितने से ज्यादा लोग इसमें आ गए, इस मालेगांव की कथा में जो लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपको नमन करने से पहले मैं आपके माता पिता जो मिस्त्री हैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने ढाल में बनाया, गर्भ में जब बच्चा था भजन करा, मंदिर गए, कीर्तन करा, रामायण पढ़ी, भगवत भजन में लगे रहे, तो संतान भी ढाल में हुई, भगवान की भक्ति में भजन में। तुम छोटे छोटे बच्चों को देखना पानी चढ़ाते, समझ लेना उनके मिस्त्री जोरदार है, उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया। और कई कई ऐसे होते हैं जिनको झाड़ू से झाड़ झाड़ के, बहुओं से कहते हैं, सास भी कहती है चलो कथा में चलो, टीवी प्यारी है बेटा कथा देख ले, महाराज बहुत जोरदार बोल रहा है, 5 मिनट सुन ले। बहू कहती है मम्मी तुम तो फ्री हो, मेरे पास कहाँ टाइम है, मेरे पास में वक्त नहीं है। जिसके पास में वक्त नहीं होता वही कम वक्त होता है। दोनों को अलग कर दो ना, कम वक्त, तुम्हारे पास में भी टाइम नहीं है तो तुम भी, समय नहीं है हमारे पास, किटी पार्टी का समय है, होटल जाने का समय है, अभी 31st आ जाएगी, समय पर भजन का समय नहीं। साधु आत्मा आपके नजदीक में अगर कोई देवालय है, शिवालय है, शंकर भगवान का कोई शिवालय आपके नजदीक में है, प्रयास करना 2 कदम चलकर वहां तक जाना। ये अंग्रेजी नया वर्ष आ रहा है, हमारा सनातनियों का नया वर्ष तो नूतन चैत्र से आता है, पर फिर भी नवयुवक बच्चे अगर इसको मनाते हैं करते हैं, हम उनको कुछ रोकेंगे टोकेंगे नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे कि अगर मना भी रहे हो तो होटल में और व्यसन में नहीं, महादेव के मंदिर जाना और एक लोटा जल चढ़ाकर आना। कोई शिवालय पास में हो, कोई देवालय पास में हो, कोई प्रसिद्ध स्थान पास में हो, कोई तीर्थ पास में हो, तो भगवान की शरणागति में मना, शरणागति में मना। जाओ उस महादेव की भूमि पर कंकर शंकर को नमन कर करो। कल
सीहोर से फोन था तो कर रहे थे गुरुदेव बहुत भक्त लोग सीहोर आ रहे हैं, हमने कब छुट्टियां लग गई हैं, तो भक्तों का भाव है कुंवरेश्वर बाबा को प्रणाम करना, नमन करना, वो भी चाहते हैं कि कंकर शंकर की धरा को एक बार नमन कर लिया जाए तो बाबा हमारा नूतन वर्ष अच्छा करे। ये लोगों का भाव है, हृदय है, चित्त है, ये भक्ति है उसकी और अविरल भक्ति है उसकी। कहीं देवालय में जाकर, कहीं शिवालय में जाकर, हमने भी जब कथा चल रही है, लाइन से कथाएं चल रही, तो हमने भी ये कहा आशीष जी को, समीर जी को, कि जब 31st रहे उस समय पर बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में ये शरीर वहीं पड़ा रहे, ऐसा प्रयास कर, इसलिए कथा को भी ऐसा दिया गया कि 29 को यहाँ आज समापन हो जाएगी, फिर अगली कथा 2 तारीख से चालू हो जाएगी। बाबा के चरणों में ये शरीर पड़ा रहे, उसका दिया हुआ शरीर है, उसके चरणों में पड़ा रहे, उसकी शरणागति में धरा रहे, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। आप ही बनाओ भगवान शिव के चरणारविंद से, भगवान के चरणारविंद में जाकर, देवालय में जाकर, अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, जो शिवालय हो, उसके चरणों में जाकर। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। लोग कहते हैं गुरुजी हम घर में मंदिर बनाना चाहते हैं, हम उनसे कहते हैं घर में मंदिर मत बनाओ, मंदिर में घर बनाओ। दिल्ली में मकान बनाना सरल है, दिल्ली में दुकान बनाना सरल है, दिल्ली में फ्लैट लेना सरल है, पर किसी के दिल में जगह बनाना बड़ा कठिन है। आप महादेव के दिल में जगह बनाइए और महादेव आपके दिल में जगह बनाए। हम हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए ना बनाए, पर भगवान के, ये जो घर है आपका ये घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर नहीं है, तुम भगवान के पास रहते हो, भगवान तुम्हारे पास नहीं रहता। दुनिया के लोग गलतफहमी में रहते हैं, ये मेरा मकान है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा घर है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा फ्लैट है, मैंने भगवान का मंदिर यहां बनाया है। गलत, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ये घर मेरे भोलेनाथ का है, ये घर मेरे दत्त का है, ये घर मेरे स्वामी समर्थ का है, ये घर मेरे पांडुरंगा हरि विठ्ठल का है, उसमें ये घर, ये मंदिर है, इस मंदिर में भगवान ने रहने के लिए मुझे जगह दी है। भगवान क्योंकि माता पिता हैं, माता पिता अपने बच्चों के सोने के लिए अच्छा बड़े से बड़ा रूम देते हैं और बुजुर्ग माता पिता छोटे से हॉल में कमरे में पड़े रहते हैं। भगवान भी कहता है तू मेरी संतान है, तू अच्छे कमरे में रहे, मेरे लिए छोटी सी जगह बहुत है, क्योंकि मैं छोटा बनकर रहता हूं, कहीं पर भी आनंद करता रहता हूं, तू सुखी से रहे। हमारे घर में मंदिर नहीं है, मंदिर में हमारा घर है। जो लोग कहते हैं ना भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, वो झूठ कहते हैं। भगवान को रहने के लिए मंदिर और घर की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को रहने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को रहने के लिए निर्मल दिल की जरूरत पड़ती है, अच्छे मन की जरूरत पड़ती है। आपका दिल जितना क्लीन होगा, जितना साफ होगा, जितना मन साफ होगा उतना परमात्मा तुम्हारे करीब में होगा, आता जाएगा। यहां से इस व्यासपीठ से आज विराम का दिन है, कथा के विराम दिवस है, हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं अगर आपने दिल से शिव को अपने दिल में बिठाकर, बिना कपट के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, कोई प्रपंच आपके जीवन में नहीं, और आपने अगर दिल से कथा सुनी है और वो अगर दिल में बैठ गया तो तुम्हारे दिल में जितनी जितनी तमन्ना होगी वो आवाज देवाधिदेव महादेव पूरा कर देगा। वहां बैठा है जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है, जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है। मालेगांव वाले का तो बड़ा बड़ा गौरव होना चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए, तुम्हारे नगर में दादा बाबू भूसे जी रह रहे हैं, हमारा एक मंत्री बैठने वाला शासन का हमारे नगर का है तो हमारी बात सुनता है। उसी तरह जब तुम्हारी बात तुम्हारा मंत्री सुनता है, तुम्हारी बात जब तुम्हारे मंत्री श्रवण करते हैं, उसी तरह जैसे मालेगांव में मंत्री जी रहते हैं तो तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे दिल में महादेव रहता है तो तुम्हारी बात सुनता है, निश्चित सुनेगा। आदरणीय दादा बाबू भूसे जी की धर्मपत्नी माई जी कह रही थी गुरुजी अब मुझे कुबेरेश्वर धाम आना है, हमने पूछा काहे के लिए आना है, कहा गुरुजी वहां पर बोल के आई थी कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए, बाबा ने इतनी करा दी, यही बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए मुझे पहुंचना। दिल से अगर कहा, हृदय से अगर कहा, आप कुबेरेश्वर धाम आते हो शंकर भगवान को वहां पर कहीं आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, पर कंकर को उठाकर आपने पूजन करा और पूजन करने के बाद दिल से कहकर उस कंकर को ले जाकर एक साइड में कहीं एक साइड में उसको रख दिया, कहीं एक साइड में मत छोड़कर नहीं जाना। कई लोग पूजन कर कंकर शंकर की पूजन करके वहीं छोड़ देते, ना 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 ना, आपने कंकर रखा, पूजन करी, उसको उठाओ
और उसको उठाकर एक साइड में ले जाकर रखो और दिल से उसको कहकर रखना कि मैंने कंकर को शंकर मानकर पूजन करी है, तुझे मैंने अपना माना है और मेरा विश्वास कहता है कि तू मेरे साथ हर पल हर क्षण रहेगा, हर पल रहेगा। ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जब महादेव तुम्हारे साथ में नहीं। इसलिए कहा कंकर शंकर है, जब तक श्वास चल रही है तब तक शरीर है, श्वास गई शव बन जाए। श्वास क्या है? शिव भगवान शंकर श्वास के रूप में, श्वास के रूप में मेरा महादेव रहता है, वायु के रूप में, आनंद के रूप में शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान है, वो देता रहता है। चल रही है शरीर में श्वास, प्रसन्न रहना, मेरा महादेव मेरे अंदर है। वो लोग कहते हैं ना, बड़ा मजा आ रहा जीने जीने में, महादेव धड़क रहा। मेरा शिव, मेरा ओ घड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर मेरे साथ में है, हर पल है, हर घड़ी, हर क्षण है। ऐसा कोई पल नहीं गया जब मेरा महादेव नहीं मिला। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे बाबा के मस्तक पे गंगा है, मेरे बाबा के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा है, हाँ गंगा है, ओ गंगा है, हाँ 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 गंगा है, माँ मस्तक पे गंगा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
मेरे भोले के हाथों में डमरू है, 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 डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जितने लोग रोड पर बैठे दोनों हाथों से बड़े आनंद के साथ जय हो, हरि बोल। जो लोग दुकानों में बैठे रोडों पर बैठे बड़े आनंद के साथ जय हो, मेरे भोले के संग में गोरा है, 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 आगे गोरा है हाँ गोरा है, आगे गोरा है हाँ गोरा है, हाँ गोरा है माँ गोरा है, हाँ गोरा है माँ गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है, गौरा में गौरा में गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया, गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया, मेरा भोला नगर में आया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, भाव से दिल से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। भगवान आज कथा का विराम दिवस है मेरे भोलेनाथ, आपके मूल मंत्र का स्मरण कर रहा हूं, आपके सम्मुख में बैठकर आपकी छत्र छाया में बैठकर, हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, ऐसी कृपा करिए मेरे हृदय में आपकी भक्ति बढ़े, आपका विश्वास बढ़े। सब लोग दिल से बोलेंगे, साथ आनंद के साथ बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तु,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। भोला शंकर जपो हे माला, भोले बाबा जपो हे माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही, दिल से किया गया भजन कहीं ना कहीं भगवत की प्राप्ति करा देगा। आप हृदय से चित्त से मन से जो कहते हैं वो सुनता है, वो श्रवण करता है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब भी देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय तुम्हारे भावों में जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे, ध्यान रखें। जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है गोलपीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी, जिसपे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की पांच बेटियां जया विषहरा श्यामली बारी दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले कहाँ चढ़ाना है, जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में जो एक भाग होता है, यहां पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहां चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित कर। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल 32 साल 35 साल 40 साल 28 साल 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर जल की धार का विराम करते हैं तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है, निश्चित था। शिव को जल चढ़ाकर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। एक सुंदर पत्र आया, देखिए, संगीता तुकाराम गोत्रे 40 गांव से मैं आई हूँ, कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो, संगीता तुकाराम गोत्र 40 गांव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ हिला देना। गुरुजी, मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पे सुनी थी, शिव महापुराण कथा का चमत्कार सुना था, मुझे ये बताने वक्त बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पति 12 साल पहले खो गए थे, 12 साल पहले किसी को बिना बताए घर से चले गए थे, 12 साल से उनका पता नहीं था, किसी को भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ चले गए, पुलिस प्रशासन में भी लगाया गया, फोटो उनके जगह जगह लगाए गए, सब ने ढूंढा पर 12 साल से वो नहीं मिले। गुरुदेव, हमने उम्मीद छोड़ दी थी, हमने यह मान लिया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनका सब कुछ समाप्त हो गया, बहुत प्रयास करा नहीं मिले। एक दिन टीवी पे बताया गया कि शिव पुराण की कथा मालेगांव में हो रही है, मैं शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, जब कथा प्रारंभ हुई कितनी तारीख को चालू हुई थी, 23 तारीख को, मैं 24 तारीख को शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मालेगांव आ गई, 24 तारीख को कथा सुनकर मैं अपने घर केवल इस भूमि पर बोलकर गई थी कि 12 साल से मेरा पति गया है, मिल नहीं रहा, सब कह रहे हैं वो मर चुका है, पर तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, मेरा पति कहाँ है बताओगे। बाबा की कृपा हुई, 24 तारीख को कथा सुनकर घर गई, अपने गाँव 40 गांव में पहुंची और किसी ने खबर करी कि तुम्हारा पति जीवित है और वो वहां पर है और 3 दिन के अंदर तुम्हारा पति यहां पहुंचने वाला है। बाबा की कृपा से मेरे पति
का पूर्व का फोटो भेज रही हूं, जब वो यहां थे और 12 साल के बाद आ रहे हैं, उनका फोटो भी मिल गया और वो 12 साल के बाद मेरे घर पहुंच रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं गुरुदेव, मेरा अखंड सौभाग्य मेरे बाबा ने वापस लौटा दिया, जो 12 साल के बाद मेरा पति वापस आ रहा है। शिव कृपा, करुणा सागर शंकर की दया, उनके फोटो भी लगाए। ऐसी करुणा मेरे महादेव, मेरे कृपा सागर, मेरे शंकर करे हैं। आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मालेगांव की धरा, चाहे शिव महापुराण की कथा मेरा कुबेरेश्वर महादेव जहां पर भी करता है, वो केवल ऐसी ही कथा नहीं करता, मेरा कुबेर भंडारी खुद सीहोर से चलकर आता है, बैठकर कथा कर चला जाता है। आपने क्या मांगा, क्या पाया, ये तो मेरा बाबा जाने और आप जाने। महाराष्ट्र की कथा पूरी हो जाएगी आज, छत्तीसगढ़ की कथा 2 जनवरी से नए वर्ष में प्रारंभ हो जाएगी, अंग्रेजी नए वर्ष। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर रहेगा, जब छत्तीसगढ़ की कथा आशुतोष शिव महापुराण होगी 2 तारीख से। आप लोग सुनने जरूर आते हो, लाखों की संख्या में आते हो, पर यह भी विश्वास मानकर चलना कि यहां से बैग तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, झोली तुम्हारी खाली नहीं जाएगी, देगा भरेगा। एक पत्र और है, देखिए पहले फोटो देख लो। जो व्यक्ति आईसीयू में पड़ा हुआ है और उसका शरीर जो काम नहीं कर रहा, मीराबाई एकनाथ पाटिल 78 राजा राम नगर अमलनेर जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अच्छा उधर है क्या, ठीक है, दिखाई दिखाई दिखाई, श्री शिवाय नमस्ते। क्या बखान करूं मैं गुरुदेव मेरे शंभू के बारे में, गुरुदेव मेरी बहू सपना 17 साल से विवाह के बाद कभी उसे एक गोली की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु अचानक उसके जुलाई के महीने में तबीयत खराब हो गई और गुरुदेव मेरा लड़का उसे बहुत से दवाखानों में दिखाने लग गया। कम से कम 10 से 11 लाख रुपए खर्च हुए उसके अमलनेर किरण हॉस्पिटल सूरत से भी लेकर विघ्नहर्ता हॉस्पिटल धूलिया, इन सभी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर हम धूलिया के हॉस्पिटल में लेकर आए, वहां पर महादेव के रूप में डॉक्टर तुकाराम पाटिल जी मिल गए और उन्होंने कहा आपकी बहू को ठीक होने में समय लगेगा, क्योंकि इसको एक बीमारी हो गई है मोटर न्यूरोन, जिस नाम की बीमारी हुई है, उसका शरीर 80% पैरालिसिस के चपेट में आ गया। केवल पैरालिसिस होता है तो शरीर काम नहीं करता, पर यह जो पैरालिसिस है इसमें दिमाग, वाणी, श्रवण शक्ति और इंद्रियां भी काम नहीं करती। मेरी गुरुदेव हम हिम्मत हार चुके थे, तब मेरी लड़की ने कहा मां सीहोर वाले महाराज कथा करते हैं शिव महापुराण की, आप कथा सुनिए। मैं हॉस्पिटल में, मेरा बेटा हॉस्पिटल में कथा कहां सुनते, मोबाइल पर कथा सुनना चालू करा, उसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में बता दिया। आपकी रोज की कथा में आप एक लोटे जल का कहते हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप जल का नहीं बोलते। एक लोटे जल का मैंने बखान सुना, इंदौर वाली कथा सुनी और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत अभी इंदौर की जो कथा रही उसमें करना प्रारंभ कर दिया। इतने सालों से बीमार पड़ी मेरी बहू, जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, शरीर काम नहीं कर रहा था, बाबा केवल पशुपति व्रत कर पानी चढ़ाती, पानी लाती बहू के मुंह पर लगा देती, थोड़ा सा गुड़ भर पिला देती। बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने अपना समझकर मेरी बहू को धीरे 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 ठीक करना प्रारंभ कर दिया। अब मेरी बहू बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई है और बाबा की कृपा से हम लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाकर प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। ये शिव तत्व की कथा है। अब मेरी बहू चलने लगी, फिरने लगी, उसकी इंद्रियां काम करने लगी। श्री शिवाय नमस्ते, जम बहन बैठ जाए, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी है, ये दयालु, क्या बखान करें। क्या बताना, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से दनो दनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में भजाना कुबेर का। एक अंगधार ओंकार, ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। मेरा शिव देव, मेरा शंकर है, हो गए आप उस पर विश्वास रखे हो, भरोसा रखे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब हो, चाहे मोबाइल हो, उस माने तो केवल मोबाइल पर सुनी और वहीं प्रार्थना कर ली कि बस तू है, ये मुझे जागृत हो गया है कि तू है और बाबा आएगा, रोटी जैसे अपन कह रहे हैं ना, आएगी ट्रेन, आएगी बस, आएगी बहू, पोता पोती आएंगे, सब कुछ आएगा, तो ये निश्चित है मेरा बाबा आएगा।
किस रूप में आता है, किस रूप में वो जन्म दे देता है, किस रूप में वो प्रकट हो जाता है, कोई भरोसा नहीं। नामदेव जी को पहचानने में महाराष्ट्र वालों ने बहुत देरी कर दी थी, संत तुकाराम को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी, मीराबाई को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी, रामकृष्ण परमहंस जी को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी, कर्माबाई को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी, नरसिंह मेहता को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। जिसको भगवान भेजता है, दुनिया के लोग उसको पहचानने में बहुत देर कर देते हैं, जब वो भगवान में समा जाता है तब दुनिया के लोगों को समझ में आता है कि वो मीरा, वो कर्मा, वो नामदेव, वो तुकाराम, वो रामकृष्ण परमहंस, वो चैतन्य महाप्रभु, वो स्वामी समर्थ कोई साधारण नहीं थे। उनको पहचानने में बहुत देरी लगती है। आता है वो किसी रूप में, आकर समझाकर बताकर चला आता है। भगवान खुद जन्म लेकर नहीं आता, पर किसी ना किसी को अपने उस भाव से, किसी ना किसी को वाणी से, हृदय से, चित्त से भेज देता है। उसको पहचान कर, जान कर, तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे व्यापार में कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जो तुम्हारे लिए कर कर चला जाए, उसको पहचान। ना जाने किस वेश में नारायण, पहचानना मुश्किल है। परमा क्यों आया, कैसे आया? नामदेव जी चले गए तब हम नामदेव जी को जान रहे हैं, संत तुकाराम चले गए जब हम संत तुकाराम जी को जान रहे हैं, नहीं तो संत तुकाराम जी को धर्मपत्नी तक शब्द कह देती थी, मीराबाई को उनके पति, उनके ससुर शब्दों के शब्द बांट छोड़ते थे, जहर का प्याला दे देते थे। जब चली गई तब मालूम पड़ा कि वो मीरा थी और गिरधर की थी। नामदेव चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विट्ठल के थे। तुकाराम चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विट्ठल के थे। विट्ठल खुद नहीं आता, किसी ना किसी को भेज देता है जनमानस के कल्याण के लिए। हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते, किसी रूप में वो आया है, हम उसको नहीं जानते। वो आएगा, चले जाएगा, बता देगा, ये उसकी भक्ति है। कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी, भगवान को खिलाती। कई लोगों ने कहा इसको बनाना नहीं आती, बिना नहाए बना लेती है, अकल नहीं इसमें, बुद्धि नहीं। संतों ने समझाया, उसने नहाकर बनाया, भगवान स्वीकार नहीं कर, दिल से, हृदय से, भाव से जो रिझा लिया वो रिझा। हम भी आज कथा पूरी हो जाएगी कहकर चले जाएंगे, कई लोग उसको एक लोटे जल की महत्वता को जान जाएंगे, बेलपत्री की महत्वता को जान जाएंगे, शिव के हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे होंगे कि हम चले भी जाएंगे उसके बाद में, जैसे नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई जैसे संतों की नित्य लोग बुराइयां करते रहते थे पहले भी, और संत अपना काम करते रहते थे, ऐसे कई ऐसे होंगे जो बुराइयां भी करेंगे, पर अपने को उस पर नहीं जाना, अपने को अपने शिव भक्ति पर जाना है, अपने को भगवान के भजन पर जाना। बुराई करने वाले भी बुराई करेंगे, अच्छाई करने वाले अच्छाई पकड़ लेंगे और विश्वास जागृत कर लेंगे कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। एक लड़के ने, जो लड़का कभी मंदिर नहीं जाता था, उसने पत्र लिखा, उस पत्र को तेरी कृपा बिना ना हिले, मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, किसी बच्ची ने या पत्र लिखा है बेटी ने, मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है, आप ही लिखा है, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते उद्यम। मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है गुरुदेव, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। तब तबीयत खराब होने पर कारण यह था कि कहीं ना कहीं मुझे इन्फेक्शन हो गया था, और अचानक इन्फेक्शन होने के कारण बस यूरिन बंद हो गई। डॉक्टर को दिखाया, पचोरा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। गुरुदेव, मेरे घर वाले रोज एक लोटा जल चढ़ाते, घर वाले भी परेशान हो गए कि इसको हो क्या गया, एकदम नवयुवक बच्चे, उनको क्या हो गया, जल चढ़ाकर मुझे देते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ, हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता रहा, भगवान की कृपा से मैं ठीक तो हो गया। फिर जब थोड़ा सा अंतर आया, फिर मेरा स्वास्थ्य फिर खराब हो गया। फिर डॉक्टर ने मुझे जलगांव के हॉस्पिटल में भेज दिया और वहां पर एडमिट किया गया। फिर हॉस्पिटल में मेरी तबीयत वहां पर भी खराब हुई। धीरे धीरे मेरी माँ ने जल चढ़ाया, एक बेलपत्र लाकर मेरे सिराने के पास में रखना चालू करा। उस बेलपत्री का बल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं उस हॉस्पिटल में ठीक हो गया, घर आ गया। मेरी माँ से पूछा, माँ डॉक्टर ने तो बहुत कुछ कह दिया था, मेरा स्वास्थ्य ठीक कैसे हुआ? माँ कहती, एक लोटा जल मैंने शिवजी पे चढ़ाया है। गुरुदेव, उस दिन से मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा कि तूने मेरा अगर शरीर अच्छा कर दिया है तो मेरी जॉब, दुनिया के लोग कहते हैं कि तू सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाकर सरकारी नौकरी के लिए शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, पीडब्ल्यूडी में मेरी नौकरी सरकारी बाबा ने मुझे दिला दी,
मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बाबू, हर हर महादेव। शिव तत्व इसको कहते हैं। बाबा ने मेरी नौकरी पीडब्ल्यूडी में लगा दी। लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या सुनते हैं, एक बेलपत्री का एक लोटा जल इतना असर दिखा सकता है। कई लोग गलत गलत कई, जब नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस, नरसिंह मेहता जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, भारत के पुराने संतों को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो निंदा करने वाले तो रोज उनको कुछ ना कुछ लगा रहेगा, रोज निंदा करेंगे। क्या बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा? शहद लगाने से हो जाएगा, जल चढ़ाने से हो जाएगा, बेलपत्री खिलाने से हो जाएगा। जिसके भीतर विश्वास होता है, इस नव युवक लड़के जैसे कि नौकरी सरकारी लगा सकता है, तो वो साधारण नहीं होता, वो साधारण नहीं हो सकता। विश्वास जागृत होगा तो वो मिलेगा जरूर, भरोसा होना चाहिए। एक एक लड़की ने लिखा, देखो, मैं कुमारी साइली प्रकाशा सिंह, साइली प्रकाशा सिंह राजपूत, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो, बैठी तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं कुमारी साइली प्रकाश सिंह राजपूत, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। मैंने फार्मेसी की डिग्री लेकर, मास्टर डिग्री के लिए कॉलेज प्रवेश को लेकर बहुत चिंतित थी। मेरा फार्मेसी की डिग्री, मास्टर की डिग्री के लिए मैं कॉलेज प्रवेश में, प्रवेश के लिए बड़ी चिंतित थी। मुझे कॉलेज में एडमिशन, अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पा रहा था, बहुत परेशान हो गई। मेरी मौसी ने सुनकर मेरे आस्था चैनल पर आपकी शुमहापुराण कथा को सुनना आरंभ किया। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवजी के मंदिर जाकर हर दिन बेलपत्र शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जो कॉलेज मुझे चाहिए था, मैंने बाबा से कहा, बाबा सीहोर वाला महाराज कहता है कि शहद लगाकर बेलपत्री चढ़ाने से कार्य पूर्ण होता है, मैं भी आज चढ़ा रही हूं, अगर मुझे कॉलेज मिल गया तो तेरा दरवाजा कभी नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिस कॉलेज को मुझे चाहिए था, मेरी डिग्री भी कंप्लीट करा दी और मुझे कॉलेज भी दिलवा दिया। ये मेरा देवाधिदेव महादेव, मैं उनको प्रणाम करने आई हूं, उनको रोक लगाने आई हूं, उनको नमन करने आई हूं। गुरुदेव, कॉलेज में एडमिशन हुआ, पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत थी, वो पैसा भी नहीं था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी 1 लाख की फीस भी जमा करवा दी मेरे बाबा ने। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओखड़ी है। करो विश्वास उस पर। लोग कहेंगे, कई लोग आएंगे तुम्हारी आस्था को, विश्वास को तोड़ने वाले। क्या होता है जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से? कई लोग कहेंगे, बहुत कहेंगे, गलत गलत प्रचार करेंगे, गलत गलत शब्द कहेंगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, अपने को नहीं सुनना, अपने को तो केवल उसका द्वार नहीं छोड़ना और शिव महापुराण की कथा नहीं छोड़ना। संभाल लेगा, संभाल लेगा, भजन करो। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा, उसके सहारे रहिए, उसके विश्वास पर जब भरोसा गढ़ी करते जाओ। शिव कथा कहती है, समय की अवस्था बड़ी बनती चली जाती है और उस समय की अवस्था में कितने को तुम अच्छे लगोगे, कितनों को बुरो लगोगे, कोई नहीं कह सकता। यहां पर मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी आईहन बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बचपन में बच्चा सोता है, माँ को अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? वो बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, पर वही बच्चा जब 24 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, दिन भर घर में पड़ा रहे, सोता रहे, इसमें से कितनी मां है जिसको अच्छा लगता होगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, बचपन में सोता है तो अच्छा लगता है, पर जब समय की अवस्था बढ़ती चली जाए, उम्र बढ़ती चली जाए और वो सोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। समय कितना बलवान होता है जरा सोचिए। बेटा भी तुम्हारा है, औलाद भी तुम्हारी है, पर बचपन में सोएगी तो अच्छी लगेगी, पर बड़े होकर सोएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह परमात्मा कहते हैं, जो समय गया जान दो, उस समय तुम सोते रहे कोई बात नहीं, नहीं मंदिर जाते थे कोई बात नहीं, शिवालय नहीं जाते थे कोई बात नहीं, पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने शिव पुराण की कथा सुन ली है, तुम जाग गए हो, तो अब समय बर्बाद नहीं करना, कर्म के प्रति जागृत होना, कार्य के प्रति जागृत होना है, और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ना है। अब सोते हुए अच्छे नहीं लगोगे, अब जागो, जागो। वो कहे, उठो जवान देश के वसुंधरा, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। ये देश आज तुम्हें पुकार रहा है, ये राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है, हमारा सनातन धर्म तुम्हें पुकार रहा है, और आज भी हम अगर सोते रहे तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भजन में लगाओ,
कर्म में लगाओ, दुकान धंधा व्यापार व्यवसाय जो तुम्हें करना है छोटे से छोटा काम करो, पर शर्म बिल्कुल मत करो। शर्म करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। छोटे से छोटा काम भी करो, दिल से करो, एक ना एक दिन भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शिव मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने काम पर आगे बढ़ जाओ, बढ़ते चले जाओ। बस किसी को धोखा मत दो, किसी को विश्वासघात मत करो, और बन सके तो जिंदगी में सबका भला करते चलो। लोग कहते हैं भला करने से लोग उल्टा और जूता मार के चले जाते हैं, मारने दो ना, क्या दिक्कत। पूर्व का कोई कर्म होगा वो कट रहा होगा। आज अगर हमको कोई गाली देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा सोशल मीडिया पर, फेसबुक यूट्यूब पर, आप भी पढ़ते होगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, कुछ ना कुछ लोग डालते रहते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये बोल दिया वो बोल दिया, उससे हमारा पूर्व का कोई पाप होगा तो इनकी निंदा करने से वो धीरे 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 कट रहा, वो कट रहा। संत की चादर धोने से साफ नहीं होती जितनी संत की लोग निंदा करते करते साफ कर देते हैं। साफ नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, तुकाराम जी को कहा, मीराबाई को, कर्मा को, रामकृष्ण परमहंस को, नरसिंह मेहता को, किसको नहीं कहा, कहे कहे दुनिया। हम भगवान की भक्ति में जितने इस दिल को इस हृदय को लगाएं उतना सुख होगा। शिव कथा करें, मंथन जब किया गया समुद्र का तो उसमें गौ माता निकली और गौ माता के बाद विष निकला, उस विष को पीने वाला कोई नहीं था। कौन पिएगा वो विष, उस विष को पीने वाला कोई नहीं। जब विष को पीने वाला कोई नहीं था तब देवाधिदेव महादेव को याद किया गया और महादेव से जाकर प्रार्थना की गई कि इस विष को आप पी लो। अमृत पीने वाला देव है और विष पीने वाला महादेव है। घर में, परिवार में, कुटुंब में, जहां तुम रह रहे हो वहां अगर थोड़ा भी तुमको अगर दुख मिल रहा है, परिवार के द्वारा गालियां मिल रही हैं, अपशब्द मिल रहा है, समझ लेना कि तुम देव नहीं महादेव हो, इसलिए इस विष को पी रहे हो। विष तुम इसलिए पी रहे हो क्योंकि महादेव। महाराज संसार में मेरे शंकर भगवान असली रूप रखकर आते हैं तो मैया यशोदा पहचान नहीं पाती है, साधु रूप रखकर आते हैं तो पहचान नहीं पाती है। यशोदा मैया पहचानती तब है जब यशोदा जी के पास खबर जाती है और यशोदा जी उनके पास हाथ दिखाने, तब शिव की गोद में भगवान कृष्ण को दिया जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है, आएगा आपके जीवन में भी सामने आएगा। उस विष को कैसे पीना है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, पूछना क्या बोलना आशीष, ये जीवन का एक लक्ष्य है। जीवन का एक लक्ष्य, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख आनंद की। और जब जीवन का एक सुख हमारे सम्मुख में होता है, विष पीने के बाद भी जब नाम होता है तो वो साधारण नहीं होता। देवताओं ने अमृत पिया परंतु उनको कोई, आज भी लोग कहते हैं इन्हें अमृत पी लिया ये देव हैं, पर उनका नाम भले ना निकले पर मेरे महादेव का नाम आज भी आता है विष पीने के लिए, विष पीने के। बाद में भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाया है, प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हो गया, शिव जी की आराधना करी। ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा है हमको बता रही है कि देवता नवग्रह, चंद्र हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, सारे ग्रह भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते हैं।